हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, स्वास्थ्य एवं योग एवं शारीरिक एवं योग शिक्षा से संबंधित इस पीडीएफ के माध्यम से हम आपको 500 क्वेश्चंस को करवा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ज़रूर लीजिएगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। और अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इन केस आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ अवेलेबल होगी आपको पीजी पॉइंट ऐप पे। तो पीजी पॉइंट ऐप अगर नहीं इंस्टॉल किया है तो मस्ट इंस्टॉल दिस ऐप एंड यू गॉट द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। इससे पहले भी हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, थ्रेड्स अकाउंट भी इसी के नाम से है। अगर आप हमसे यहाँ से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे यहाँ पर आसानी के साथ में कह पाएंगे, जिसका समाधान 24 घंटे के अंतर्गत करने का प्रयास रहेगा। अगर आपकी कोई पीडीएफ रिलेटेड क्वेरी है पेड पीडीएफ से संबंधित, तो आप हमें pg.100@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने आपको इसी सब्जेक्ट के लगभग 200 से 300 के बीच में क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? प्राणायाम। योग की आत्मा क्या है? योग की आत्मा भी प्राणायाम ही है, ठीक है। प्राणायाम के भाग या घटक होते हैं कौन कौन से हैं? कुंभक, पूरक, रेचक, तो ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। योग के संदर्भ में किसमें कहा गया है? योगः कर्मसु कौशलम, ये बात किसमें कही गई है? तो ये बात कही गई है आपकी श्रीमद् भगवद गीता में। योग समाधि है, ये कथन किसका है? ये कथन है आपके महर्षि पतंजलि का। कैसे याद रखोगे कि देखिए, जो आपका योग समाधि है वो किससे संबंधित है? तो महर्षि पतंजलि से। अब जैसे ऐसा समझ लो आप कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो आदमी जल्दी नहीं मरता है, और जल्दी नहीं मरेगा तो इसका मतलब उसकी समाधि भी जल्दी नहीं बनेगी। ऐसे करके याद कर सकते हो, हालांकि थोड़ा सा बेकार है, लेकिन वही है कि अब जो दिमाग में आता है क्विकली हम वही बता देते हैं, है ना। अगर आपको ख़राब लग रहा है तो सो सॉरी फॉर डैट, लेकिन याद रख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। आसन का अर्थ क्या है? तो आसन का अर्थ आपका क्या है? शरीर की स्थिति। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता ही ध्यान कहलाती है। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो यम है। अब इन सब के विषय में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, और अगर आपके पास अभी तक बुक नहीं है, बुक वगैरह नहीं ली थी कुछ अगर आपने, तो अभी भी आपके पास समय है। पीजी पॉइंट ऐप में इस वाले सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। चित्त की प्रवृत्तियां हैं, चित्र की वृत्तियां क्या हैं? विपर्य, प्रमाण, विकल्प, ये सभी हैं। योग सूत्र के नियम कितने हैं? तो योग सूत्र के आपके 5 नियम हैं। आत्मा की प्रकृति कैसी होती है? तो आत्मा की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, ठीक है। शीर्ष आसन उदाहरण है, शीर्ष आसन में उदाहरण के स्वरूप हम बता दें आपको, उल्टे होकर के किए जाने वाले आसन का आशय होता है शीर्ष आसन से। यौगिक क्रियाएँ आपकी, तो धोती, नेति, बस्ती, ये सभी हैं। पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यम और नियम, ये सभी, ये दोनों ही आपके क्या हैं? बहिरंग योग के उदाहरण हैं। आसन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। तो आसन का उदाहरण आपका ध्यानात्मक आसन और आपका चिश श्रांतिकर आसन, ये सभी दोनों ही हैं। ध्यानात्मक आसन का उदाहरण कौन सा है? तो ध्यानात्मक आसन का उदाहरण आपका पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, ये सभी सही हो जाएगा। विपर्य प्रकार है, किसका प्रकार है? तो ये प्रमाण का प्रकार है, ठीक। नेक्स्ट, श्री अरबिंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती है? अन योगा, ये संबंधित नहीं है। श्वास के अंदर खींचना,
श्वास को अंदर खींचना, ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपके पूरक का, संयोग योग इत्युक्तो। आगे क्या है यहाँ पर पूर्ण करना, ये पूरी एक सूक्ति के रूप में है। तो ये होता है भैया संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, है ना, उसमें आपने पढ़ी होगी संस्कृत में ये। पतंजलि के योग सूत्र अनुसार पांचवी योग अवस्था कौन सी है? प्रत्याहार। समाधि की पूर्व अवस्था कौन सी है आपकी? तो ध्यान जो है वो समाधि के पहले की अवस्था है। महर्षि अरबिंदो के दार्शनिक चिंतन को क्या कहा जाता है? तो सर्वांग दर्शन कहा जाता है, ठीक है। घेरंड संहिता प्रमुख ग्रंथ है, किसका है ये? ये है आपके हठ योग का। घेरंड संहिता किससे संबंधित है? तो हठ योग से। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो भीष्म पर्व का अंश है। श्री निम्नलिखित में से बैठ कर किया जाने वाला आसन कौन सा है? तो बैठ कर किया जाने वाला आसन आपका पद्मासन है। हठ रत्नावली के लेखक कौन से हैं आपके? तो हठ रत्नावली के लेखक आपके महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट जी हैं। अरबिंद सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? की थी क्वेश्चन नंबर 29। तो इसकी स्थापना की थी आपकी मीरा रिचर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम का अंतिम सोपान है, क्या है नियम का अंतिम सोपान आपका? तो ईश्वर प्राणिधान ही आपका नियम का अंतिम सोपान है। पतंजलि ने योग शास्त्र में साधकों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? तो पतंजलि ने योग शास्त्रों में साधकों की 5 श्रेणियां बताई हैं। कैसे याद रखोगे? पासे पतंजलि और पासे 5 श्रेणी बताई है, ठीक। योग दर्शन में समाधि का प्रकार क्या है आपका? तो योग दर्शन में समाधि का प्रकार आपका संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ये दोनों ही प्रकार है समाधि के। समाधि का अर्थ क्या होता है? तो समाधि का अर्थ होता है संपूर्ण तन्मयता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूरक का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। पूरक का अर्थ है श्वास को अंदर खींचना। मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता आपके कौन है? तो मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता है स्वामी अखिल आनंद जी। कौन है? तो आपके ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, स्वामी अखिल आनंद जी, ठीक। तो कैसे आप उसको याद कर सकते हैं? तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो मेंटल लोग होते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा दिमाग से गड़बड़, ऐसे कहते हैं ना मेंटल हो क्या यार एकदम, तो जो मेंटल लोग होते हैं उनके साथ में खेल करके जब हम समय बिताते हैं तो वो साइकोलॉजिकली सही हो जाते हैं, ऐसा माना गया है, ठीक। तो आप स्वामी अखिलानंद और मेंटल को ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या होता है? तो दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य होता है मानव जीवन की शैली के तत्व। योग समन्वय के लेखक आपके कौन है? तो योग समन्वय के लेखक कौन है? अरबिंदो हैं। अरबिंदो किसके लेखक हैं? योग समन्वय के। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है आपका? तो सूर्य नमस्कार 12 आसनों का योग है। योग का उद्गम स्थल है आपका कहाँ? तो भारत ही है। रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है आपका? तो शीतली प्राणायाम जो है वो रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है भैया यम। सार्वभौमिक महाव्रत को यम कहा जाता है। प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? प्रत्याहार का अभिप्राय इंद्रियों को अपने वश में करने से है। फिर है आपका, किसने कहा? यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है। तो ये बात कही थी आपके डॉक्टर राधाकृष्णन ने कि यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है। कैसे याद रखोगे? राधा कृष्णन और तार्किक, तो देखो का से संबंधित है ना दोनों शब्द, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। मत्येंद्र आसन प्रकार है, तो मत्स्येंद्र आसन प्रकार है संवर्धनात्मक आसन का। प्रमाण के प्रकार आपके कौन कौन से हैं? तो अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों ही आपके प्रमाण के क्या है? प्रकार है। योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाए? तो योग के आदि प्रवक्ता आपके पतंजलि ही कहलाए थे। योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता पतंजलि ही है। योग के पिता के रूप में किसको माना जाता है? योग के पिता के रूप में पतंजलि को ही माना जाता है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?
योग शब्द की उत्पत्ति आपकी संस्कृत भाषा से हुई है। योग शब्द जो है वो किस धातु से बना हुआ है, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन के किसी के आने के चांसेस भी हैं। योग शब्द आपका युजह धातु से बना हुआ है, किससे, युजह, योग आसन मिलकर बनाए, किससे मिलकर के बनाए, तो योग धन आसन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है, किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऋग्वेद में योग का उल्लेख मिलता है। भारतीय संस्कृत में आदि योगी किसे कहा गया है, तो भारतीय संस्कृत में महेश को आदि योगी कहा गया है। युज का अर्थ क्या है, तो युज का अर्थ होता है जुड़ना, संयोग, एक होना, ये सभी सही हो जाएगा। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ये तो सबको पता है, लेकिन पहला कब मनाया गया था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहीं से 2015 से ही पहला मनाया गया था आपका भारत में। संप्रज्ञात समाधि के प्रकार आपके कितने होते हैं, तो 4 होते हैं संप्रज्ञात समाधि के प्रकार। योग सूत्र में नियमों की संख्या कितनी है, योग सूत्र में नियमों की संख्या आपकी 5 है। पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है अपरिग्रह, अपरिग्रह, देखो आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अष्टांग योग का अंतिम सोपान समाधि से। सूर्य नमस्कार की अवधि कितनी होती है, तो सूर्य नमस्कार की अवधि 4 मिनट की होती है। पतंजलि ने योग की अवस्थाएं बताई हैं कितनी, तो 8 बताई हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या, योग वशिष्ठ हैं, योग वशिष्ठ क्या है, योग वशिष्ठ आपके हैं एक ग्रंथ, योग वशिष्ठ क्या है, एक ग्रंथ है। योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, एक बार क्वेश्चन नंबर 62 रीचेक कर लीजिएगा। देखो एक्चुअल में होता क्या कि मैं अकॉर्डिंग टू दी जो आपकी PDF है उसके बेसिस पे करवा रही होती हूँ। अब इतने सारे सब्जेक्ट हैं, एक एक दिन में अगर हम आपको 300-400 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन को वेरीफाई कर पाना इट्स टू टफ टास्क फॉर मी। सो अगर आप लोगों को लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है या डाउटफुल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल आंसर यू देयर। और अगर आपका आंसर आपको पता है सही ये है, तो आप बताइए कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, मैं आपका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। सो सिंपल है ना, ओके। तो योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। समग्र योग रचित है किसके द्वारा, अरबिंदो के द्वारा। योग वह स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु ऊंची या आत्मसात करने योग्य नहीं रह जाती, क्योंकि इसमें व्यक्ति इतना समा जाता है कि उसे कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती, और इसी कारण योग का आशय है कि सभी कष्टों से विमुक्ति। और ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका भगवद गीता का है, श्रीमद भगवद गीता। योग देखिए, एक ऐसे ही मैं एक अगर बात आ गई है यहाँ पर, तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जब भी इस बार आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, अगर आपने अभी तक भगवद गीता नहीं पढ़ी है ना, तो आप एक काम करिएगा, यूट्यूब पे एक चैनल है, मुझे चैनल का नाम नहीं याद आ रहा है, यहीं पे आप सर्च कर लीजिएगा चाहे कि कंप्लीट भगवद गीता वीडियो, एक वीडियो आपको मिलेगा 14 आवर्स के आसपास का है, और उसमें उन्होंने गीता के एक एक श्लोक को पूरा हिंदी में अच्छे से एकदम समझाया हुआ है ना, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। आप जीवन में जब आप उसे सुनेंगे तो आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, है ना। तो अगर हो सके समय निकालिए, कभी अपने सनातन धर्म धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़िए, ताकि कुछ ज्ञान भी आपको भी मिले, है ना। योग प्रदीपिका रचित है तो किसके द्वारा, स्वात्मराम द्वारा। निद्रा के प्रकार हैं कितने, 3। योग दर्शन के अनुसार नियम के कितने प्रकार हैं, तो योग दर्शन के अनुसार नियम के 5 प्रकार हैं। आसन को परिभाषित करते हुए स्थिर सुखमासन किसने कहा है, ये बात कही आपके पतंजलि ने। आसन के मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आसन को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। कैसे याद रखोगे, आसन ना से खत्म हो रहा है, 3 ना से खत्म हो रहा है, ऐसे। पतंजलि के ने योग साधना के कितने अंगों का वर्णन किया, तो पतंजलि ने योग साधना का 8 अंगों में वर्णन किया है। योग सूत्र में यम के अंग बताए गए हैं, तो यम के अंग 5 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक है आपका कौन है, तो आहिस्ते, आहिस्ते का मतलब चोरी ना करना। प्रमाण के प्रकार हैं प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान, ये सभी सही हो जाएगा। योग में नियम का तीसरा सोपान आपका कौन सा है, तो योग में नियम का तीसरा सोपान है तप। ध्यान के प्रकार आपके कौन कौन से हैं, तो ध्यान के प्रकार हैं इनमें से कोई नहीं। षटकर्म का प्रकार नहीं है, षटकर्म का प्रकार क्या नहीं है, उपवास। ध्यान की पराकाष्ठा कहा गया है समाधि। विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। एकात्म योग की संकल्पना दी है तो अरबिंदो ने। तप के प्रकार हैं अरबिंदो ने दी थी, ठीक है। तप के मुख्य प्रकार आपके कितने हैं, तो तीन हैं। कायिक तप का उदाहरण है ब्रह्मचर्य और अहिंसा का, ठीक। वह आसन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है वो आपका होता है स्वशासन, ठीक, श्वासन। उसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। प्राणायाम जो शब्द है वो मिलकर के बना हुआ है आपके किससे, तो प्राण धन आयाम से। उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो श्वास कहा जाता है। किसने कहा, धर्म एवं दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन में एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता धारणा की व्यवहारिक उपयोगिता को समझ सकते हैं। ये कथन है स्वामी अखिल आनंद जी का। योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, रेचक कहलाता है। चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं, 5। योग के मुख्य उद्देश्य हैं तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक, तो सही आंसर होगा आपका सर्वांगीण विकास। लेट पर लेट कर किया जाने वाला आसन आपका क्या कहलाता है, तो लेट कर किया जाने वाला आसन आपका भुजंगासन कहलाता है। कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है, तो आपका सांख्य दर्शन जो है वो योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है। क्वेश्चन नंबर 92। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं आपके श्री अरबिंदो। आसन और प्राणायाम मुख्य अंग हैं किसके, तो हठ योग के। आसन और प्राणायाम मुख्य अंग हैं हठ योग के। अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है किसको, तो प्रत्याहार को। अपरिग्रह अंग है किसका, तो अपरिग्रह अंग है यम का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की क्या थीम थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो स्वास्थ्य के लिए योग घर पर योग, क्योंकि कोविड था उस टाइम पे, है ना, याद है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के विषय में सही है, क्वेश्चन नंबर 97। तो योग के विषय में आपका योग एक प्रचलन प्राचीन भारत से ही है, सीधी सी बात है, ये भी सही है। ये एक शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, ये भी एकदम सही है। भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शनों की संख्या है कितनी, तो आस्तिक दर्शनों की संख्या है आपकी 6। वेदों को अप्रामाणिक मानने वाला दर्शन कौन है, तो वेदों को अप्रामाणिक मानने वाला दर्शन है आपका चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये सभी। किसने कहा है क्या कि योगिस चित्त वृत्ति निरोधः, तो ये बात किसने कही है आपके, ये बात कही है पतंजलि ने। योगियों के परीक्षा की अवस्था होती है, तो योगियों के परीक्षा की अवस्था क्या होती, अतिक्रांत, ठीक। अब जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, योग से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आपके देखिए यहाँ से सब इंक्लूडेड है, ये वाली जो आप PDF देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे कि भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या कहा गया है, ठीक है, महर्षि वशिष्ठ के अनुसार क्या कहा गया है, योग विज्ञान से संबंधित बातें कही गई हैं। अब जैसे कि आप ये PDF देख पा रहे हैं ना, तो अगर आपके पास समय था, जिन बच्चों ने ली है तो वो सब पढ़े होंगे, तो उन्हें पता होगा कि हठ पूर्वक किसी कार्य करने से क्या लिया गया है, ठीक है, मंत्र क्या है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर। अब जैसे अब पूछा जाता है कि यम के कितने प्रकार हैं, तो 5 हैं। पूछा जाए तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो आहिस्ते। ये आप तभी बता पाएंगे ना कि कौन से प्रकार कितने कैसे हैं जब आपने इसको पढ़ा होगा।
पता चले आपको पता ही नहीं है कि नियम के कौन कौन से प्रकार हैं, यम के कौन कौन से प्रकार हैं, और क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, सीधी सी बात है, बनेगा तो है ही है, तो कैसे बताओगे? इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव बुक देन यू कैन रीड फ्रॉम देयर, अदरवाइज टेक दिस PDF एंड रीड दैट। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब का सहारा लीजिए और उससे पढ़िए। नहीं है अगर बुक आपके पास, कोई थ्योरेटिकल कंटेंट नहीं आपने पढ़ा है, तो आप इस PDF को आसानी से पढ़ सकते हैं। राइटिंग भी अच्छी है और चुपचाप से अगर आप 20-20 40-40 पेज भी पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। समाधि का मतलब क्या होता है, जैसे समाधि से संबंधित पूछ रहे थे ना कि आठवां अष्टांग योग में आठवां क्या है, तो आठवां आपका होता है स्थिर हो जाना, समाधि। अब देखो कितने सही तरीके से दिया है। अब अष्टांग योग का यम से शुरू होता है ना, तो यम का मतलब होता है बुरे काम को छोड़ना, दूसरा होता है नियम, नियम का मतलब होता है अच्छे काम करना, तीसरा होता है आसन, आसन मतलब शरीर स्वस्थ रखना। ठीक इस तरीके से देखिए आठों दिया हुआ है, कितना सिंपल तरीके से दिया है कि ध्यान का मतलब क्या है, धारणा का अर्थ क्या है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में। उसके बाद में ये आप देख पा रहे हैं जो आपका अरविंदो से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उससे संबंधित भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, जो भी अलग अलग आपके दार्शनिक रहे हैं उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, किस फाउंडेशन से रिलेटेड क्या है, उससे संबंधित भी चीज़ें हैं। ठीक, अब ये निर्भर करता है आप पे। अब हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, जो कुछ आसन है ना उनकी हमने पिक्चर वाली भी फ़ोटो लगाई दी है। जैसे ये देखें, जैसे पद्मासन है तो बैठ कर कर किया जाता है ताकि आपको पिक्चर के माध्यम से याद रहे। सिद्धासन कैसे किया जाता है, ठीक इस तरीके से सारे आसन भी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, लेकिन उसके लिए समय होना चाहिए। और अगर आप अभी ये काम कर लेते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे। ये PDF आपको कहाँ मिलेगी मैम? तो ये PDF आपको मिलेगी PG.app पे, रेफरल कोड आप यूज़ करिएगा, PG.app इंस्टॉल करिए। वहाँ पर आपको कहाँ जाना है, ई नोट्स के सेक्शन में जाना है। ई नोट्स में पेड के साइड में आपको सी ऑल दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ये PDF अलग है, इसके साथ में 800 प्लस MCQs की PDF भी है। आपको जो PDF मनाए आप वो ले सकते हैं, थ्योरेटिकल अलग और MCQs अलग। ठीक है, अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चंस हमने 100 वीडियो में आपको कराया है, 100 क्वेश्चंस आपको इसके अगले पार्ट में कराएंगे। इस तरीके से 5 पार्ट पूरे कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, बाकी अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो ये समझ लीजिए कि क्लासेस हो कौन कौन सी गई हैं। पेपर वन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर आपने देखी हैं तो नहीं देखी है तो ये आपके ऊपर है। पेपर वन की कंप्लीट बुक हमने करवाई है, कंप्लीट बुक के साथ में बुक के जो MCQs थे, समझिएगा बात को, वो कंप्लीट करवाया। उसके साथ में हमने आपको इजी नोट्स के जो MCQs थे वो कंप्लीट करवाए हैं पूरे, साथ में जो पवन के इजी नोट के जो पूरे MCQs थे वो कवर अप करवा दिए। इतना कुछ हमने करवा दिया है। सेम चीज़ हमने पेपर टू में करवा दी है आपको, सेम चीज़ हमने आपको पेपर थ्री में करवा दी, यानी कि ये सिर्फ पेपर वन नहीं, पेपर टू और पेपर थ्री में भी करवा दिया है हमने। ठीक, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा वो सारे वीडियो, सारी MCQs, सारे इजी नोट्स और पवन सब कुछ। ठीक, देखिए हर एक सब्जेक्ट का हम आपको इजी नोट्स और पवन तो करवाएंगे ही करवाएंगे, आप ये बात मान लीजिए हमारी। ठीक, बस ये है कि अभी हमने सोचा था शैक्षिक मूल्यांकन वाला ना पढ़ाने के लिए, लेकिन उन बच्चों को भी हम एटलीस्ट MCQs तो इजी नोट्स के करवा ही देंगे, क्योंकि वो फिर बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप योगा वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम लोगों से क्या दुश्मनी है ना। हालांकि आप लोगों को हमने पेपर फोर की इसकी पेड PDF दी है, इस वजह से और भी हमें ये पढ़ाना है, ये एक मजबूरी नहीं है, ये एक क्या है कह सकते हैं जिम्मेदारी है ना। तो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।